SN Live, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। सिवान में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हैं। घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। घटना नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार की है, जहां तेज रफ्तार का कहर बढ़ पा है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया, जिससे घर के 2 सदस्य की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मृतिका में पिता और उसकी एक पुत्री है। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। मृतिका में धर्मेंद्र कुमार और उनकी एक पुत्री आराध्या कुमारी की मौत हो गई है। यह घर में अपना कुछ कार्य कर रहे थे, तभी अचानक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोगों का आक्रोश देख चालक और स्कॉर्पियो में बैठे 2 लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल घटना के बाद पुलिस पहुंच मामले की जांच कर रही है, वहीं स्कॉर्पियो को घर से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस हादसे से स्कॉर्पियो और घर दोनों पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं स्कॉर्पियो पर जीरादेई प्रखंड के तीतरा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी रामावती देवी का बैनर लगा हुआ है। बता दें कि पंचायत चुनाव चल रहा है और इसी क्रम में जीरादेई प्रखंड में भी चुनाव है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो मकान में घुस गई। वहीं घटना के बाद से ही लोगों में आक्रोश है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SN Live।